अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल मैच इन कोलकाता। आप सबको पता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने के बस इतने ही फासला रह गया, उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आप सबको सेमीफाइनल में नजर आएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान का अगला मैच जो पहला मैच होगा सेमीफाइनल का वो इंडिया के साथ होगा। और आप सबको मैं बता दूँ, पहली चीज़ तो मेन चीज़ तो ये है ना, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा कैसे, कैसे इंडिया के साथ टकरा होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऐसे जाएगा, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हार जाता है तब पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में। लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच वाश आउट हो सकता है क्योंकि उसमें बारिश के इम्कान बहुत ज़्यादा है, 70% चांसेस हैं बारिश के और तेज़ बारिश के, मतलब तूफानी बारिश के चांसेस हैं। अगर वो मैच ड्रा हो जाता है, वाश आउट हो जाता है, इसमें के आप सब समझे कि पाकिस्तान को बस इंग्लैंड को हराना है, उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन इंग्लैंड को जब पाकिस्तान कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड उस मैच में अपना बेस्ट देगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड वो वाला मैच हार जाता है पाकिस्तान से तो इंग्लैंड चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी नहीं रहेगा, इंग्लैंड समझे कि चैंपियनशिप ट्रॉफी से भी फिर बाहर हो गया। तो पाकिस्तान को वो वाला इंग्लैंड को मैच हराना बहुत ज़रूरी है अपनी सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन पक्की करने के लिए। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, बना सको पहले बता दें, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होगा। और अगर हम लोग पुरानी हिस्ट्री को मद्देनजर रखें तो इंडिया 2019 में भी सेमीफाइनल में गया और स्कोर बोर्ड पर सबसे टॉप पर था, लेकिन सेमीफाइनल में जाके हार गया। 2015 में भी जो स्टैंडिंग थी उनमें इंडिया सबसे टॉप पर था लेकिन सेमीफाइनल में हार गया। तो अब भी क्या ये हिस्ट्री दोबारा क्रिएट होगी? क्या ये जो आप सब समझ लें कि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है 2015 से लेके 2019 तक, ये 2023 में भी होगा? अगर ऐसा हो जाए, पाकिस्तान इंडिया को हरा के सेमीफाइनल से बाहर कर दे, तो फिर मैं आप सबको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है। उसके बाद पाकिस्तान का जो फाइनल मैच होगा वो किसके साथ हो सकता है? दूसरा सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। तो उसमें से जो टीम जीतेगी, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से आई थिंक सो के साउथ अफ्रीका जीतेगी और साउथ अफ्रीका को इंशाल्लाह पाकिस्तान हरा देगा। अभी हम लोग इतनी ऊंची सोचों का नहीं सोचते। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया, मुझे मैंने शुरू में प्रिडिक्शन कर दी थी इंडिया स्टैंडिंग में जो टेबल है उसमें, जो वर्ल्ड कप का टेबल है उसमें तो इंडिया टॉप पर रहेगा, लेकिन सेमीफाइनल में जाके हारेगा ही हारेगा। आप सब बस दुआ करें कि वॉश आउट हो जाए इंग्लैंड और सॉरी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच। हमें एक और अपसेट चाहिए, अगर वो मैच वॉश आउट नहीं होता तो हमें श्रीलंका न्यूजीलैंड की सूरत में एक नया अपसेट चाहिए कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। ये वाला अपसेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सब दुआएं भी करें कि हमें या तो ये वाला अपसेट मिल जाए या तो वो वाला मैच वॉश आउट हो जाए। हाँ, और ये वाली दुआ भी करिएगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, कि ये ना हो कि हम लोग किस्मत ने अभी तक हमारा 8 मैचों में किस्मत ने हमारा साथ दिया और पाकिस्तान का साथ दिया है। और जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान का सेमीफाइनल में इंडिया के साथ, ये किस्मत को ये मंजूर है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया के साथ टकराएगा। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। आज की वीडियो को आप आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, मैंने सेमीफाइनल का सारा स्नैडी भी बता दिया। पाकिस्तान का इंडिया के साथ सेमीफाइनल का मैच होगा, बस आप सब दुआ करें पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन पक्की हो जाए। आज की वीडियो इतनी, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।